हिमाचल सरकार शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने जा रही है। 1600 से अधिक स्कूलों को इम्प्रूव करने की योजना है। एक ही क्षेत्र में कम से कम संख्या वाले स्कूलों को मर्ज करने की भी शिक्षा विभाग की योजना है। स्कूलों में पुलिस प्रशासन द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जाने वाले अभियान को भी प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया है कि सरकार 1600 से अधिक स्कूलों को इम्प्रूव करने पर ध्यान दे रही है। सरकारी स्कूलों में जो सुविधा नहीं होती थी वे सुविधाएं छात्रों को प्रदान की जाएंगी। अच्छी शिक्षा के लिए स्टाफ का प्रबंध किया जाएगा। रोहित ठाकुर ने यह भी कहा है कि वित्त आयोग की टीम के साथ स्कूलों को इम्प्रूव करने के लिए गहन चर्चा हुई है। एक ही क्षेत्र में चल रहे कम स्ट्रेंथ वाले लगभग 700 से 800 स्कूलों को पास ही के स्कूलों में मर्ज किया जाएगा। खाली पड़े पदों को भरने पर भी ध्यान दिया जाएगा। टीजीटी और जेपीटी में अभी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कल कैबिनेट की बैठक में शिक्षा विभाग के 5 एजेंडे शामिल किए जाएंगे। अब स्टेट अवार्ड के अध्यापकों को इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन देनी होगी। इसके अलावा उनके द्वारा पढ़ाए बच्चों का मूल्यांकन भी होगा। डीपीई अध्यापकों का पदनाम बदलने की फाइल भी कैबिनेट बैठक में जाएगी। जल्दी ही 2200 से अधिक शिक्षकों की भर्ती भी होने वाली है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के स्कूल बोतल की क्वालिटी पर उठाए गए सवाल पर शिक्षा मंत्री ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया। अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अभी जो आपके आरएनपी रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ही इनकी रिक्रूटमेंट हो रही है। सर, एनटीटी में एक इशू आया है, आंगनबाड़ी वर्कर्स ने अल्टीमेटम भी दे दिया है कि 18 जुलाई को वो धरना प्रदर्शन करेंगी, 70% कोटा उन्हें दिया जाए। अब प्रॉब्लम थोड़ी डिपार्टमेंट में एजुकेशन में ये कोटा सिस्टम की भी काफी रहती है और इसके कारण कई दफा ये अपॉइंटमेंट्स हमारी जो आपकी मैं समझता हूँ दिनों और महीनों में होने तो उसमें कई साल लग जाते हैं। कई कोर्ट मैटर्स भी काफ़ी टाइम से लंबित रहते हैं। आपने देखा होगा पीछे आपके शास्त्री का था या आपका जेबीटी का था, काफ़ी लीगल बैटल्स इसमें रही है। मैं इसको आपने मामला मेरे संज्ञान में लाया है, इसको देखेंगे। लेकिन सरकार बिल्कुल स्पष्ट रूप में चाहती है कि जो हमारे प्री नर्सरी स्कूल्स है ये प्रदेश में फंक्शनल हो और इसी सोच के साथ हम लगभग कोई 6100 के आसपास एनटीटी टीचर्स को रिक्रूट करने का जो माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी बजट स्पीच में भी कहा था, कैबिनेट से भी उसकी स्वीकृति मिल गई है, ये कार्यक्रम शीघ्र प्रारंभ करेंगे। सर, स्कूलों में नशे के खिलाफ एंटी ड्रग्स फाइट्स बनने जा रहे हैं, कब से ये बनेंगे और किस तरह से बच्चों को जागरूक किया जाएगा? मैं समझता हूँ एक प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण हमारा एक कार्यक्रम पुलिस विभाग हिमाचल के द्वारा इन कोऑर्डिनेशन विद एजुकेशन डिपार्टमेंट चला है और इसको और मैं समझता हूँ सुदृढ़ता के साथ इसका हर तरह से इसको लागू करने के लिए जो भी मैं समझता हूँ डिसीजंस लेने पड़ेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्तर पर वो लिए जाएंगे और इसको मैं समझता हूँ एक प्राथमिकता के आधार पर, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये भी एक मेनेंस प्रदेश में आ रहा है और इसके लिए डिपार्टमेंट सजग है। कहा है कि हम नियमों के अनुसार इन अपॉइंटमेंट्स को करेंगे। फर्स्ट अपॉइंटमेंट है जैसे मैंने पहले कहा विदाउट टीचर, जहाँ पर आपकी इनरोलमेंट 5 से अधिक है वहाँ पर टीचर मिले, क्योंकि हम मर्जर का भी देख रहे हैं जहाँ पर संख्या और डिस्टेंस नज़दीक है वहाँ पर नज़दीक के हमारे स्कूल में उनका मर्जर हो। और साथ ही साथ लगभग कोई मैं समझता हूँ जो हमारे सिंगल टीचर स्कूल है उसमें भी हम एक तरह से जो जहाँ पर इनरोलमेंट ज़्यादा है, उदाहरण के तौर पर जहाँ पर 40 बच्चे होंगे या फिर आपके दूसरे स्कूल में 15 बच्चे, तो वरीयता वहाँ देंगे जहाँ पर 40 बच्चे, ताकि कम से कम सेकेंड टीचर आपका स्कूल में उपलब्ध हो। पूरी पारदर्शिता के साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ हमारी जो ये बैच वाइज अपॉइंटमेंट्स हो रही है इनको स्टेशन दिए जाएंगे और उसके उपरांत जैसे मैंने 6000 की संख्या बताई थी 585 हमारे पीजीटी के पद जो हमने कमीशन में लास्ट डेट दिए थे, ये भी मैं समझता हूँ एक दो सब्जेक्ट के आपके मैं समझता हूँ आपके डॉक्यूमेंटेशन रह चुकी है, शीघ्र ये भी 585 लेक्चरर हमारे को मिलेंगे और इसमें भी हम इस तरह का नियम बनाएंगे ताकि विशेषकर जो हमारे दुर्गम क्षेत्र है वहाँ पर स्टाफ उपलब्ध हो। और उसके उपरांत हमारी जो 2800 के आसपास जो कमीशन के द्वारा एलिमेंट्री एजुकेशन की आपकी नियुक्तियाँ होनी है, जो हमने पहले मैं समझता हूँ यहाँ पर पब्लिक सर्विस कमीशन को दिया था, लेकिन जैसे फिर से हमारा ये हमीरपुर का सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर का हमारा बोर्ड फंक्शनल हो चुका है, इसको वहाँ पर टेकअप किया जाएगा क्योंकि कमीशन ने ये कह दिया है कि हमारे पास काफ़ी वर्कलोड है, तो शीघ्र ये प्रोसेस भी हमारा हमीरपुर वाला प्रारंभ होगा ताकि हमारे को ये जो 6000 के आसपास पदों की हमने सेंक्शन लास्ट ली थी ये सभी मैं समझता हूँ फील्ड में जाकर हमारे दुर्गम क्षेत्र में अपनी सेवाएँ दें। और इसके उपरांत जो एनटीटी टीचर्स का भी हमने पिछली कैबिनेट में निर्णय लिया था
ये भी मैं समझता हूँ आपने देखा होगा, इसमें जो हमारी NCT की गाइडलाइंस है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, उसके अनुरूप आपकी नियुक्तियाँ होगी और इसमें हम प्रायोरिटी देंगे जो 2 साल से हमारे मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से जिनकी डिग्री होगी उनको उनको प्राथमिकता मिलेगी और ये शीघ्र ये भी प्रोसेस आपका प्रारंभ होगा। अभी 2 साल का ही है और 1 साल का निर्णय मैं समझता हूँ, अभी इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। मैं समझता हूँ आज समय की आवश्यकता है कि हम अपने सिस्टम को, अपने एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करें, कंसोलिडेट करें, उसका सशक्तिकरण करें, क्योंकि वर्तमान में अगर आप पूरा हिमाचल प्रदेश की प्राथमिक पाठशालाओं से लेके सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स की संख्या की बात करेंगे, लगभग कुछ 16,000 से अधिक हमारे सरकारी संस्थान हैं, लेकिन आज आवश्यकता हो चुकी है कि समय के अनुसार एक तरह से इनरोलमेंट में भी कमी आई है, बेहतर सुविधाएं बच्चों को मिले, पर्याप्त मात्रा में स्टाफ उनके पास उपलब्ध हो, और इस विषय को लेके जब हाल में फाइनेंस कमीशन का भी हमारा हिमाचल का दौरा था, शिमला का दौरा था, काफ़ी विस्तार से इस पर चर्चा हुई, उनकी तरफ से भी सुझाव आया है जो पहले से ही मैं समझता हूँ हमारे विचाराधीन है कि हमने जहाँ पर स्ट्रेंथ कम है स्कूल्स में बच्चों की और नज़दीक में ही उदाहरण के तौर पे 1.5-2 किलोमीटर में दूसरा हमारे पास वहाँ पर पाठशाला है तो हम ऐसे स्कूल्स को मर्ज करें, तो इस सोच के साथ पिछले वर्ष भी हमारे कई आपके less than 2 जहाँ पर 2 या 2 से कम बच्चे थे, डिस्टेंस भी नज़दीक था, तो इन स्कूल्स को मर्ज किया गया, 0 इनरोलमेंट के भी कुछ स्कूलों को मर्ज करके लगभग ये संख्या 700 के आसपास बनती है, और इस वर्ष भी मैं समझता हूँ हम ये प्रयास करेंगे कि जहाँ पर हमारी स्टाफ का कमी है, जहाँ बैच वाइज के माध्यम से, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से भी अपनी ये खाली पड़े पद है उनको भरने की कवायद प्रारंभ है, साथ ही साथ युक्तिकरण के माध्यम से, रैशनलाइजेशन के माध्यम से, जहाँ पर मैं समझता हूँ इनरोलमेंट कम है, जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने 2 या less than 2 की बात कही है, वहाँ पर वहाँ का स्टाफ हमारे उन स्कूलों में जाए जहाँ पर आपकी संख्या ज़्यादा बनती है, तो इन टोटल लगभग कोई 700-800 स्कूल है जहाँ पर हमारी संख्या बच्चों की काफ़ी कम है, और प्रथम चरण में हम उन्हीं स्कूल्स को चिन्हित करेंगे जहाँ पर आपका डिस्टेंस आपका 1.5-2 किलोमीटर के आसपास है, इस सोच के साथ हमारा विशेषकर क्योंकि एलिमेंट्री एजुकेशन में अधिकतर स्कूल है, हमारा डायरेक्टरेट अपना प्रारूप तैयार कर रहा है और शीघ्र में इसमें स्टेंस के बारे में हम निर्णय लेंगे। असल जो डिस्टेंस तय किया गया है, जैसे ग्रामीण इलाकों में काफी दूरी पर भी स्कूल्स हैं और एनरोलमेंट काफी कम है, तो उनके लिए कुछ आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में लगभग अब ये मानकर हम कह सकते हैं कि 100% के आसपास हमारी कनेक्टिविटी हो चुकी है, मात्र कुछ हमारे मैं समझता हूँ ट्राइबल एरियाज में ऐसे क्षेत्र रहे होंगे, लेकिन इसमें भी जैसे मैंने पहले कहा 1.5-2 किलोमीटर के आसपास का हमने डिस्टेंस रखा है, बच्चों को भी असुविधा ना हो, लेकिन बच्चे वहाँ पर मात्र मैं समझता हूँ स्कूल खुले रहे, टीचर वहाँ ना हो, उनके एक तरह से हाजिरी तक सीमित हो, उसका भी मैं समझता हूँ कि इनजस्टिस उन बच्चों के साथ होगा, स्कूलों का अर्थ है कि वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में हमारी मैं समझता हूँ टीचर्स की संख्या हो, और इस सोच के साथ ही लगभग जो 2200 के आसपास जो हम पिछले वर्ष से लेके अपनी बैच वाइज रिक्रूटमेंट का हमने जो कार्यक्रम प्रारंभ किया था इसके माध्यम से 2200 टीचर हमारे को मिल रहे हैं, इसमें भी हमने एक मैं समझता हूँ पैरामीटर तय किया है कि विदाउट टीचर स्कूल जिनकी संख्या लगभग कोई पूरे प्रदेश में 350 के आसपास बनती है, सिंगल टीचर स्कूल्स और उसकी संख्या भी लगभग कोई 3100-3200 के आसपास है, और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो 850 के आसपास जो हमने नोटिफाई किए हैं, हम इन तीनों मैं समझता हूँ स्कूलों को प्राथमिकता देंगे और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि अधिकतर इन पदों को भरा जाए, क्योंकि अधिकतर पद हमारे दुर्गम क्षेत्र जैसे आपने भी कहा जहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा रहता है, तो शीघ्र मैं समझता हूँ जैसे हमारा इसके बारे में जो हमारी अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स है ये बहुत ही शीघ्र मैं समझता हूँ सार्वजनिक हो जाएंगे और इन सभी हमारे टीचर्स की सेवाएं क्षेत्र में ली जाएगी। सर, DGT JBD में क्या भर्ती नियम चला है और मेरे को लगता है कल इसके बारे में सारी क्लियरिटी हो जाएगी आगामी कैबिनेट में। असर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने जो वाटर बोतल है जो बच्चों को दी जा रही है उसको लेकर सवाल उठाए हैं, वो सब स्टैंडर्ड है और क्या किसी ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने बोतल दी। मैं समझता हूँ इस तरह की सोच राजनीति से प्रेरित है और मैं समझता हूँ इसके पीछे सोच यही थी कि जो हमारे मैं समझता हूँ छोटी एज के बच्चे हैं उनको एक प्रॉपर सुविधा हो, और अगर इस तरह की कोई बात अगर लिखित में देंगे तो उसकी भी हम जांच कराएंगे, पर मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है।
अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, अभी जो आपके आरएनपी रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ही इनकी रिक्रूटमेंट हो रही है। सर, एनटीटी में एक इशू आया है, आंगनबाड़ी वर्कर्स ने अल्टीमेटम भी दे दिया है कि 18 जुलाई को वो धरना प्रदर्शन करेंगी, 70% कोटा उन्हें दिया जाए। अब प्रॉब्लम थोड़ी डिपार्टमेंट में एजुकेशन में ये कोटा सिस्टम की भी काफी रहती है, और इसके कारण कई दफा ये अपॉइंटमेंट्स हमारी जो आपकी मैं समझता हूँ दिनों और महीनों में होने थे उसमें कई साल लग जाते हैं, कई कोर्ट मैटर्स भी काफ़ी टाइम से लंबित रहते हैं। आपने देखा होगा पीछे आपके शास्त्री का था या आपका JBT का था, काफ़ी लीगल बैटल्स इसमें रही है। मैं इसको आपने मामला मेरे संज्ञान में लाया है, इसको देखेंगे, लेकिन सरकार बिल्कुल स्पष्ट रूप में चाहती है कि जो हमारे प्री नर्सरी स्कूल्स है ये प्रदेश में फंक्शनल हो, और इसी सोच के साथ हम लगभग कोई 6100 के आसपास NTT टीचर्स को रिक्रूट करने का जो माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी बजट स्पीच में भी कहा था, कैबिनेट से भी उसकी स्वीकृति मिल गई है, ये कार्यक्रम शीघ्र प्रारंभ करेंगे। सर, स्कूलों में नशे के खिलाफ एंटी ड्रग्स फाइट्स बनने जा रहे हैं, कब से ये बनेंगे और किस तरह से बच्चों को जागरूक किया जाएगा? मैं समझता हूँ एक प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण हमारा एक कार्यक्रम पुलिस विभाग हिमाचल के द्वारा इन कोऑर्डिनेशन विद एजुकेशन डिपार्टमेंट चला है, और इसको और मैं समझता हूँ सुदृढ़ता के साथ इसका हर तरह से इसको लागू करने के लिए जो भी मैं समझता हूँ डिसीजंस लेने पड़ेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्तर पर वो लिए जाएंगे, और इसको मैं समझता हूँ एक प्राथमिकता के आधार पर, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये भी एक मेनेंस प्रदेश में आ रहा है और इसके लिए डिपार्टमेंट सजग है। कहा है कि हम नियमों के अनुसार इन अपॉइंटमेंट्स को करेंगे। फर्स्ट अपॉइंटमेंट है जैसे मैंने पहले कहा विदाउट टीचर, जहाँ पर आपकी इनरोलमेंट 5 से अधिक है वहाँ पर टीचर मिले, क्योंकि हम मर्जर का भी देख रहे हैं जहाँ पर संख्या और डिस्टेंस नज़दीक है वहाँ पर नज़दीक के हमारे स्कूल में उनका मर्जर हो, और साथ ही साथ लगभग कोई मैं समझता हूँ जो हमारे सिंगल टीचर स्कूल है उसमें भी हम एक तरह से जो जहाँ पर इनरोलमेंट ज़्यादा है उदाहरण के तौर पर जहाँ पर 40 बच्चे होंगे या फिर आपके दूसरे स्कूल में 15 बच्चे तो वरीयता वहाँ देंगे जहाँ पर 40 बच्चे, ताकि कम से कम सेकेंड टीचर आपका स्कूल में उपलब्ध हो। पूरी पारदर्शिता के साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ हमारी जो ये बैच वाइज अपॉइंटमेंट्स हो रही है इनको स्टेशन दिए जाएंगे, और उसके उपरांत जैसे मैंने 6000 की संख्या बताई थी 585 हमारे PGT के पद जो हमने कमीशन में लास्ट डेट दिए थे, ये भी मैं समझता हूँ एक दो सब्जेक्ट के आपके मैं समझता हूँ आपके डॉक्यूमेंटेशन रह चुकी है, शीघ्र ये भी 585 लेक्चरर हमारे को मिलेंगे, और इसमें भी हम इस तरह का नियम बनाएंगे ताकि विशेषकर जो हमारे दुर्गम क्षेत्र है वहाँ पर स्टाफ उपलब्ध हो, और उसके उपरांत हमारी जो 2800 के आसपास जो कमीशन के द्वारा एलिमेंट्री एजुकेशन की आपकी नियुक्तियाँ होनी है जो हमने पहले मैं समझता हूँ यहाँ पर पब्लिक सर्विस कमीशन को दिया था, लेकिन जैसे फिर से हमारा ये हमीरपुर का सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर का हमारा बोर्ड फंक्शनल हो चुका है, इसको वहाँ पर टेकअप किया जाएगा क्योंकि कमीशन ने ये कह दिया है कि हमारे पास काफ़ी वर्कलोड है, तो शीघ्र ये प्रोसेस भी हमारा हमीरपुर वाला प्रारंभ होगा ताकि हमारे को ये जो 6000 के आसपास पदों की हमने सेंक्शन लास्ट ली थी ये सभी मैं समझता हूँ फील्ड में जाकर हमारे दुर्गम क्षेत्र में अपनी सेवाएँ दें, और इसके उपरांत जो NTT टीचर्स का भी हमने पिछले कैबिनेट में निर्णय लिया था ये भी मैं समझता हूँ आपने देखा होगा इसमें जो हमारी NCT की गाइडलाइंस है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन उसके अनुरूप आपकी नियुक्तियाँ होगी, और इस पर हम प्रायोरिटी देंगे जो 2 साल से हमारे मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से जिनकी डिग्री होगी उनको उनको प्राथमिकता मिलेगी, और ये शीघ्र ये भी प्रोसेस आपका प्रारंभ होगा। अभी 2 साल का ही है और 1 साल का निर्णय मैं समझता हूँ अभी इस बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो दूसरा सर मर्जर की बात थी आपने जी।